नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर एक नजर। और अभी अभी की खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां केवटी नहर में डूबे युवक को SDRF व होमगार्ड की टीम ने सर्चिंग कर निकाला है। दरअसल रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत प्रणामी मंदिर के पास केवटी नहर में एक युवक के डूबने की सूचना मिली। तत्काल SDRF व होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान चालू किया। 15 मिनट के अंदर ही शव को बरामद कर विश्वविद्यालय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक का नाम कुंवर प्रसाद कोरी बताया जा रहा है, जो कि भूडाहा थाना सिटी कोतवाली का बताया जा रहा है। घटना प्रणामी मंदिर के पास नहर की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज कपूर कोरी है। क्या घटना हुई? घटना हुई, मेरा भाई काम पर गया था, तो वहाँ काम पर कर रहा था। इसके बाद 2:30 बजे लंच हुआ, तो खाना पीना खाया और उसके बाद तो उसको लेटिंग लगी, तो वो गया नहर तरफ गया, तो अब जो जैसा हुआ हो, तो वहाँ उसका पैर फिसल गया और नहर में डूब गया। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम कुंवर प्रसाद कोरी था। कितने वर्ष? वो लगभग 22-23 साल का था। निवासी ग्राम भुंडहा थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा। ये घटना कल की है। कल 3:30 बजे के लगभग लोग बताए कि एक लड़का यहाँ डूब गया, तो हमारे पिताजी वहाँ से निकले, साइड में जा रहे थे, तो वहाँ गए तो पता किए कि कहाँ है। गाड़ी खड़ी थी साइड में, तो काम वाले लोग बताए कि हमारे गया है कहीं, बोला कि 5 मिनट में आते हैं, तो फिर 5 मिनट के बाद वो नहीं आया। फिर शाम को जब जानकारी हुई तो पता चला कि कुछ लोग बताए अगल बगल के कि एक लड़का यहाँ डूब रहा था, और फिर हम लोग रात में ही कंप्लेन की। हाँ, बागी सुबह मिली, बागी हो गया 10-15 मिनट में मिल गई।